वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं तुहानूं इस वीडियो के माध्यम राही जलियांवाले बाग दे हत्याकांड बारे अते उसके पिछे दे इतिहास ते कारण बारे दसांगे। गल शुरू हुंदी है 1919 नूं, जदों अंग्रेज़ां ने रोल्ट एक्ट पास किया जिस अनुसार भारत विच किते भी लोग इकट्ठ करके अंदोलन नहीं कर सकते अते होर अजिहियां ही कई होर पाबंदियां सन। इस एक्ट के विरोध में कई थावां ते भारी जुलूस होए अते भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया। अमृतसर विच भी इसके विरुद्ध अंदोलन होया, पर अंग्रेज सरकार ने लाठी चार्ज की अते गोलियां चलाईयां जिस तों पंजाब वासी होर भड़क उठे अते उन्होंने जलियांवाले बाग विच 13 अप्रैल नूं विरोध प्रदर्शन करन दी सलाह की। इस सलाह तो बाद 13 अप्रैल 1919 नूं जलियांवाले बाग विच भारी अंदोलन होया अते भारी गिनती विच लोकी इत्थे इकट्ठे होए। अंग्रेज़ां ने 3 दिन पहलां ही पंजाब दा प्रबंध जनरल डायर अते माइकल उडवायर के हाथ विच दे दिता सी। जदों इस रोल्ट एक्ट दे विरोध विच भारी अंदोलन अते जलियांवाले बाग अमृतसर विच भारी इकट्ठ दी जनरल डायर नूं खबर लगी तां उसने जलियांवाले बाग दे आसे पासे पुलिस तैनात कर दिती। जलियांवाले बाग विच इस भारी इकट्ठ दी गिनती लगभग 10,000 तों वध सी, जिस विच औरतां बच्चे अते बजुर्ग शामिल सन अते इन्हां विच ज़्यादा गिनती सिखां दी सी। अंग्रेज़ां ने जलियांवाले बाग दे दरवाजे अगे एक टैंक तैनात किया अते अंदर सारी फौज, उस तो सिवा बाहर जाण दा होर कोई राह नहीं सी। जनरल डायर दे ऑर्डर नाल कुछ चिर मगरों सिपाहियां ने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। सारे पासे भगदड़ मच गई, कुछ लोग खूह विच छालां मारन लगे, कुछ इधर उधर भज्जन लगे, पर किसी को बचन दा कोई राह नहीं सी। उत्थे कई शहीद होए अते कई जख्मी होए। जदों एक घटना वापरी उदों सरदार उधम सिंह खालसा कॉलेज विच पढ़दा सी अते सरदार भगत सिंह 10 किलोमीटर दूर चल के जलियांवाले बाग दी मिट्टी लैण आया होया सी, जो उस वेले शहीदां दे खून नाल रंगी सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।